लंबे घने काले बाल तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो क्यों ना गर्ल्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूं जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम को एकदम जड़ से ख़त्म कर दे। क्योंकि काफ़ी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल जो है हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं, उनके स्कैल्प में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इचिंग वगैरह होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ता जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जो होती है वो नहीं बढ़ती है, आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि झड़ते झड़ते आपके बाल की ग्रोथ है जो वो ख़त्म ही हो जाती है, और आपके बालों में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आपके बाल जो हैं फ्रीजी लगने लगते हैं, बेजान, रूखे, सूखे इस तरह के हो जाते हैं। अगर आपके स्कैल्प में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपके हेयर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज का जो हेयर ऑयल है वो हेयर ऑयल बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आज यूज़ करी हैं वो आपको आपके किचन से मिल जाएगी, आपको आपके घर में मिल जाएगी। ऑलरेडी आप वो यूज़ करते होंगे लेकिन आपको उसका सही तरीका नहीं पता है कि उसे यूज़ कैसे करना है। जिस हेयर ऑयल की मैं आज बात करने वाली हूँ वो हम इसे घर में बनाएंगे और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जो आपकी बालों के लिए 100% वर्क करता है। जो हेयर ऑयल है गाइज, वो ये हेयर ऑयल है, सिर्फ ओनली 5 या 6 चीज़ें इसमें मैंने यूज़ करी है, इंग्रेडिएंट बहुत कम यूज़ करे हैं और एकदम नेचुरल 100% प्योर है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो कोई केमिकल नहीं है इसमें, एकदम नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप अपने स्कैल्प में इसे लगाओगे, हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी आप इसे यूज़ करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके गंजेपन की प्रॉब्लम है, आपके बालों में गंजेपन की शिकायत है, आपके बाल झड़ रहे हैं, एकदम झड़ते झड़ते कम हो रहे हैं, बाल आपके बढ़ नहीं रहे हैं, आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है, आपके स्कैल्प में ईचिंग होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है हम गर्ल्स में, तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म करने के लिए हेयर ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है। हेयर ऑयल जो है गाइज, अगर आप इसे यूज करते हो, इसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल डाल लीजिए एक बाउल में लेके, और स्कैल्प में अच्छे से इसे अप्लाई करिए, आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और इसकी गारंटी मैं आपको खुद देती हूँ क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ, और आपके बाल अगर नहीं बढ़ते हैं तो इससे बढ़ने आपके बाल जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगे। सो गाइज, हेयर ऑयल जो है वो आपके हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है आपको, 100% रिजल्ट देगा। सो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देख लेना पूरी वीडियो कैसे मैंने इस हेयर ऑयल को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस तरह से हमें सनफ्लावर लेना है, कुछ पत्ते लेने हैं आपको फूल के, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है, और बाकी के इन्ग्रीडियंट आप देख लो अभी। सो गाइज, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए कैस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे कलौंजी, तो कलौंजी लेना है हमें, और ये है मेथी जो कि मैंने पीस रखा है, और उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने सनफ्लावर, तो ये कुछ पत्ते लिए हैं मैंने उसके फूल के, और यहाँ एलोवेरा ले रही हूँ मैं प्लांट का एकदम ताज़ा। तो फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें कोकोनट ऑयल, तो आप जौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आप वही यूज़ कर सकते हो। मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है हमारे हेयर के लिए। तो चाहे तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, अगर आप जौन सा करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से हमें जो ये चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें जो है गाइज हमें यूज़ करना है एक हेयर ऑयल बनाने के लिए, काफ़ी अच्छे ये इंग्रेडिएंट से हमारे हेयर के लिए एक ऑयल बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए, और हमें अपनी गैस में इसे रखना है हल्के मीडियम आंच में, और उसके बाद जो है ये मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। गाइस, नारियल का तेल जो होता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारे स्कैल्प के लिए, बालों की प्रॉब्लम को सभी को दूर करता है, हमारे स्कैल्प में अच्छे से डीप कंडीशनिंग करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इस तरह से मैंने हेयर ले लिया है, आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी और बढ़ा दी है। तो ये हल्का सा गर्म हो गया है मेरा, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, आपको हल्की गर्म में ही कलौंजी ऐड कर देनी है इसमें, और उसके बाद डाल देना है आपको एलोवेरा। तो मेरा तेल बहुत गर्म हो गया था इस वजह से थोड़ा सा आपको मीडियम ठीक ठीक आंच में डालना है। तो मैं इसके फ़ायदे बता दूँ आपको गाइस, तो कलौंजी जब मैंने इसमें डाला है तो कलौंजी आपके स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, हेयर प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकता है, आपके बाल को सफ़ेद नहीं होने देता है, हेयर कंडीशनिंग का वर्क
का वर्क करता है। एलोवेरा डाला था गाइज मैंने इसके बाद, तो एलोवेरा भी आपके हेयर को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा होता है, आपके बालों को एकदम लंबा मजबूत करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, डैंड्रफ को कम करता है, आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाता है, हेयर फॉल को रोकता है। देन उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सूरजमुखी का फूल यानी कि सनफ्लावर। तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं गाइड, जो आपके स्कैल्प होते हैं उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है आपके बालों को। इसमें विटामिन ई ए डी होते हैं जो आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके बालों के लिए काफ़ी बेहतर होता है, आपके बालों को मजबूत शाइनी और चमकदार बनाने के लिए, जो कि आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, लॉन्ग बनाता है। अगर आप इसे मंथ में भी लगा लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। देन मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है गाइस, थोड़ा सा लहसुन डालना है। लहसुन आपके बालों को जो होता है वो लंबे बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए जो लहसुन होता है आप उसका रस निकाल के भी यूज़ कर सकते हो हेयर ऑयल के साथ, मिक्स करके कोकोनट ऑयल के साथ, या फिर आपने मैंने इसमें ऑयल में डाल लिया है तो इसके काफ़ी जो गुण हैं वो हमारे हेयर ऑयल में आ जाएंगे और काफ़ी बेहतर होता है। मैंने मेथी भी डाला था गाइज इसमें, तो जो मेथी होता है गाइज वो हमारे हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मेथी में वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, डैमेज हेयर को कम करता है, हेयर स्ट्रांग करता है, डैंड्रफ रिमूव करता है, और इसमें जो विटामिन होते हैं ए होता है, के होता है, सी होता है, और आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जैसे हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए। तो इस तरह से अगर हम अपने हेयर ऑयल यूज़ करेंगे जब भी, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक इसे रन कर सकता है, ये हेयर ऑयल आपके 3 महीने तक रह सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और जब मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं तो इसे अच्छे से हमें पकाना है ताकि अच्छे से एकदम पक जाए, जिसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी इस हेयर ऑयल के अंदर आ जाए। और ये हेयर ऑयल आपको वीक में 2 या 3 बार यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको अगर आप इसे इस तरह से यूज़ करोगे, इस तरह से बनाओगे। तो हेयर ऑयल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान प्रोसेस बता रही हूँ और बहुत ज़्यादा ही मैं यूनिक बता रही हूँ, जिससे कि आपके हेयर जो हैं बहुत जल्दी लंबे मजबूत होंगे। आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले मोटे ऐसी की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं तो ये आपको अगर आप वीक में से यूज़ कर लेते हो तो मैं मेक श्योर आपको कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल जो हैं वो मोटे पतले की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज ये मेरा जो हेयर ऑयल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कि मैंने हेयर को काफ़ी टाइम तक पकाया है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है मेरे हेयर ऑयल में आ जाए। सो ये हो चुका है मेरा रेडी, अब उसके बाद हमें इसे छान लेना है। सो छानने के बाद मेरा हेयर ऑयल जो है वो रेडी है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये हेयर ऑयल की वीडियो? आई होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, एक बार ट्राई ज़रूर करना गर्ल्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, और 100% रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, 1 मंथ में आपके हेयर की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।